हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक फैक्ट्री गिवन है जो एक ओपन कार्डबोर्ड बॉक्स बनाती है बाय कटिंग स्क्वायर शीट, और एक स्क्वायर शीट है 18 सेंटीमीटर की। उससे छोटी छोटी स्क्वायर शीट कट करती है एक साइड की, और उससे फोल्ड करके कार्डबोर्ड बनाती है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें बताना है कि अगर एक्स लेंथ है हर एक स्क्वायर की, तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होनी चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे वॉल्यूम मैक्सिमम हो। हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, तो अगर तुम्हें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, सो फाइंड वी इन टर्म्स ऑफ एक्स। फाइंड वी इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना, एक्स की टर्म्स में वी फाइंड करो। और फिर सेकेंड स्टेप तुम कर सकते हो, फाइंड डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स फाइंड करो, यू कैन फाइंड वेन द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा, ये हमारे स्टेप्स रहेंगे जो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो सबसे पहला स्टेप करते हैं, वी को फाइंड करते हैं वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो कार्डबोर्ड है इसको हम लोग कट कर रहे हैं। तो एक्स यहाँ से कट हुआ, एक्स यहाँ से कट हुआ, करेक्ट है। तो यहाँ से भी एक्स कट हुआ, यहां से भी एक्स कट हुआ, यहां से एक्स कट हुआ, यहां से एक्स कट हुआ, ये स्क्वायर्स है ना सभी, तो एक्स एक्स कट हो रहा है। तो जो बची हुई साइड है कार्डबोर्ड की वो कितनी है, 18 माइनस 2x, टोटल 18 है। एक्स यहां से गया, एक्स यहां से गया, तो ये साइड कितनी आएगी, 18 माइनस 2x। तो इस कार्डबोर्ड का एरिया क्या आएगा, बेस इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है ना। किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर का एरिया क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया कितना है, 18 माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर है। तो बेस का एरिया क्या होगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू जो ये जो x है इसको हम फ्लैप कर रहे हैं ना, फ्लैप करें तो ये x क्या बन जाएगा, इसका हाइट बन जाएगा। सो 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स। तो डीवी बाई डी एक्स फाइंड कर लो यार, डीवी बाई डी एक्स क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 2 टाइम्स ऑफ 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x का फिर से डिफ्रेंसिएशन, -2 है ना, और x यहाँ पे पहले से है प्लस। अब 18 माइनस 2x स्क्वायर को वैसे रहने दो, x का डेरिवेटिव 1। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, तो यहां से तो -6 कॉमन आ रहा है ना, नहीं -4। सो -4x इंटू 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 18 माइनस 2x कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, -4x प्लस 18 माइनस 2x। तो एक आएगा 18 माइनस 2x फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आएगा 18 माइनस 6x। तो अगर मैं डीवी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइंड करना है ना कहाँ कहाँ पे वो मिल रहा है। तो मैंने अगर डीवी बाई डी एक्स को 0 कर दिया तो एक्स के क्या क्या वैल्यूज आएंगे बताओ। एक तो 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 9। और दूसरा होगा 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर। तो देखो अगर मैं x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर पुट करता हूँ, तो कार्डबोर्ड का जो साइड है 18 माइनस 2x है ना, कार्डबोर्ड का साइड, तो अगर मैंने x को 9 पुट कर दिया तो 0 हो जाएगा, है ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसके लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हमारी साइड क्या होगी, साइड फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर, साइड फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, जो एक्स इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है वो क्या है, वो है साइड फॉर मिनिमम वॉल्यूम। एक्स इक्वल टू 9 सेंटीमीटर पे मिनिमम वॉल्यूम होगा, दैट इज 0। एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। और हमसे वही पूछा था क्वेश्चन में कि साइड कितनी होनी चाहिए जिससे मैक्सिमम वॉल्यूम हो, सो साइड शुड बी 3 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट, ऑल द बेस्ट।